बीजेपी सबसे डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेकिन सोचिए कि जो लोग आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देगा। जिसको टीवी अखबार अच्छा कहे मान लीजिए कि वो आपका वो दुश्मन है, और जिसको टीवी अखबार सबसे ज्यादा खराब कहे वो मान लीजिए आपका सबसे बड़ा हितैषी। इस देश में आज 90% जो सड़कों पर लोग अभी बच्चे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जाट है, गुर्जर है, पटेल है, मराठा है, कुर्मी, कोयरी, अहीर है, ये सब ओबीसी कम्युनिटी के, शेड्यूल कास्ट के हैं। और टीवी अखबार को टाटा बाय बाय कीजिए। शुक्रिया। और इतनी संख्या में लोग हैं इसका अंदाज़ा नहीं था, मुझे लग रहा था कि देश भर में ट्रेनें चल नहीं रही है तो आप लोग पहुंच नहीं पाएंगे। तो ओम सुधा जी का कार्यक्रम सफल दिख रहा है काफ़ी संख्या में। जाति वाला मामला भी उठाएंगे और हाथ भी उठवाएंगे। तो दो दिवसीय सम्मेलन है ये, और डॉक्टर गीतराज ने आपको बता ही दिया है मुद्दा क्या है, सब लोग लिखा हुआ है। मैं पेशे से पत्रकार हूँ तो उसमें तो खैर ये मुद्दा नहीं है पत्रकारों वाला, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोगों से बात करूँ, और भी बहुत सारे सीनियर मेरे पत्रकार हैं जो यहाँ आपको बताएंगे, लेकिन मैं 10 मिनट लूँगा। और जितने लोग यहाँ आए हैं उन सबको जय भीम नमो बुद्धाय, और जो मंच वाला मामला है नहीं अपना बोल के जाएगा, ये अच्छा है, नहीं तो यहाँ बैठने की बड़ी मारामारी रहती है। देखिए बहुत सीरियस सवाल है, सवाल ये है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग अब दुनिया भर में एकजुट हो रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो हम लोग एक पत्रकार के तौर पर देखते हैं उसमें देखते हैं कि वो ग्लोबली एकजुट हो रहे हैं अपने मुद्दों पर, अब उन पर पत्थर चला के आप नहीं बच पाएंगे। आदिवासियों के साथ ये नहीं हो रहा है, OBC के साथ ये नहीं हो रहा है, लेकिन शेड्यूल कास्ट और मुसलमान वो ग्लोबली एकजुट है, वो धर्म की वजह से भी इस्लाम की वजह से भी। तो अब कोई सोच रहा है कि हम जाति उत्पीड़न करके शेड्यूल कास्ट को मार के बच जाएंगे तो ये संभव नहीं है, और दूसरा अब कोई धार्मिक उत्पीड़न करके किसी का बच जाएगा तो वो भी संभव नहीं। तो मैं ये बात सिर्फ ज़्यादातर OBC के लोगों के लिए कहना चाह रहा हूँ, और किसान जातियों के लिए जिनके बच्चे आज सड़कों पर डंडे खा रहे हैं, और जिनको टेलीविजन चैनल में बैठा जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी पत्रकार, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि ये लोग ऐसे ही हैं और ये लोग आज उनको उपद्रवी कह रहे हैं। किसी भी तरह की मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ, ट्रेन नहीं जलाना जाए चाहिए ये बिल्कुल सही है, सरकारी संपत्तियों का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए पत्रकारों से कि आपने टेलीविजन पर कितने दिन खबर चलाई बेरोजगारी की, आपने कितने दिन खबर चलाई गरीबी की, आपने कितने दिन खबर चलाई देश में घुसपैठ की। तो मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूं कि आपके घरों में दो मनुवादी घुसे हुए हैं, एक TV और एक अखबार, इनका बायकॉट कीजिए अगर हो सकता है तो, और उसके बदले इंटरनेट लगवाइए, और जो आपको दिखाया जा रहा है वो दरअसल खबर नहीं है, प्रचार है। मैं पत्रकार के तौर पर पत्रकारिता पर ही बात करूँगा। इसका सॉल्यूशन क्या है सोचिए। इस देश में अब तक आज़ाद भारत में 3 ही आंदोलन हुए हैं जिसको इस देश की मीडिया ने समर्थन किया है। एक आंदोलन हुआ था इंदिरा गांधी के खिलाफ जिसमें संघ शामिल था, RSS शामिल था, तो वो आंदोलन अच्छा था। दूसरा आंदोलन इस देश में हुआ मंडल कमीशन के खिलाफ, जो मंडल कमीशन लागू हुआ उसके खिलाफ सवर्ण समाज ने आंदोलन किया, उसको इस देश की मीडिया ने कहा बड़ा अच्छा आंदोलन है। और तीसरा आंदोलन हुआ अन्ना का, जिसकी वजह से मोदी जी की सरकार है, उसमें भी RSS शामिल था, तो वो कह रहे हैं कि आंदोलन अच्छा है। अब सोचिए इस देश की मीडिया में कितनी बड़ी ताकत है कि अभी राहुल गांधी से ED की पूछताछ हो रही है, सारे उसके पार्टी नेता सब सड़कों पर हैं, मीडिया कह रही है कि राहुल गांधी चोर हैं, जाँच होनी चाहिए। आपके नेताओं को इसी तरह से आपकी नज़रों में बहुत पहले चोर बनाया जा चुका है, लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन जेल में चले गए, जगदेव बाबू की हत्या हो गई। तो सोचिए इस TV अखबार ने कितना बेरा गर किया है आपका कि आपके ही नेताओं की आपके नज़रों में चोर बना दिया, और बाकी लोग जो सोने की प्लेट में खाना खाते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, और जो विदेश भाग जा रहे हैं, विदेश रह रहे हैं, वो सब मनरेगा में मजदूरी करके पैसा कमाता है। तो इस देश का जो TV और अखबार है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इस देश में सबसे ज़्यादा अब जातिवाद है, जो गांव से ख़त्म हो गया है। अब गांव में जातिवाद नहीं है, वहाँ कोई किसी को दो थप्पड़ मारेगा अगला 4 थप्पड़ मारेगा। अब जो जातिवाद है
वो 6 जगहों पर है, पावर सेंटर्स पर, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस। और यहाँ आपको आने से रोका जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपके पास बिजनेस नहीं है। और जब आपके पास बिजनेस नहीं होगा तो आप अपना टेलीविजन अखबार शुरू नहीं कर सकते हैं। वो तो शुक्र मनाइए कि दुनिया भर के देशों में डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ और भारत में यूट्यूब, सोशल मीडिया और फेसबुक आ गया, नहीं तो हम लोग टेलीविजन चैनलों में नौकरी करते थे और डर से कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि सबसे मजबूर होता है नौकरी करने वाला आदमी, उसकी मजबूरी भी है, परिवार भी चलाना है, पेट भी चलाना है। लेकिन वो मजबूरी अब पत्रकारों की खत्म हो रही है। हम जैसे लोग हैं, नवीन कुमार हैं, यहाँ आपको सुमित हैं, दलित दस्तक है, नेशनल दस्तक है, द वीक है, जनहित आवाज़ है, ऐसे तमामों यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके पत्रकार पेट भी चला रहे हैं और समाज की मुद्दा को भी उठा रहे हैं। लेकिन उन पर एक खतरा है, खतरा है कि उनको जहां मन हो वहां गाली, जहां मन हो घेर के मारना, और जहां मन हो उनको जेल में डालने की बात हो रही है। तो वो आपसे पैसे तो नहीं ले रहा है, लेकिन आपके लिए खबरें ला रहा है, दिखा रहा है, तो करना कुछ नहीं, लाठी डंडा नहीं चलाना है, बस आप लोग उसके साथ समर्थन दीजिए, उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको देखिए, उसकी समस्या दूर हो जाएगी और आपका समाज जागरूक हो जाएगा। आप बिना टीवी अखबार के चुनाव नहीं जीत सकते हैं, ना नेता बन सकते हैं, लिख के रख लीजिए, नहीं बन सकते हैं। टीवी अखबार चाहिए आपको, बिना टीवी अखबार के जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सोचिए, पहले हर कॉलेज में रोहित वेमुला होता था, पहले हर दिन हाथरस की घटना होती थी, आज उनकी रूहें कांप रही है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से हम लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं कहीं सुदूर देहात में पैदा हुआ, दिल्ली में पेट पाल रहा था, जब समाज की बात करने लगा नेशनल दस्तक, तो आप सब लोग मुझे जानते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का कमाल है, और आपको अपने समाज में पत्रकार बनाने पड़ेंगे, आपके बच्चों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, मीडिया का कोर्स कराना पड़ेगा। आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आप IAS भी बन रहे हैं, PCS भी बन रहे हैं, बस 2 जगह कमी है, कॉरपोरेट और मीडिया। और इस पर आप लोग को बात करनी होगी, और शुक्र मनाइए कि अब TV की भी जरूरत नहीं है, मोबाइल सबके हाथ में है, हम सब मोबाइल देख रहे हैं, उस पर बोलिए। और मैंने एक दिन एक बात कही थी तो बहुत विवाद हो गया था, मीना कोटवाल का वो प्रोग्राम था, मैंने कहा था कि इस देश के बहुजन समाज के जितने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो सब जैसे लक्ष्मण यादव अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, रतनलाल सर हैं वो अम्बेडकर नामा चलाते हैं, उसके अपने खतरे हैं, लेकिन जिस दिन इस देश का बहुजन समाज पढ़ा लिखा आप लोग, दस अब सोचिए 10 लाख लोग 5-5 मिनट का वीडियो डाल दें या लिखना शुरू कर दें कि आरक्षण बचाओ, तो सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी, क्योंकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी बता रहे थे सर कि इस देश में एक भी अब SC ST OBC माइनॉरिटी का नेता, पॉलिटिकल पार्टी जिसकी लीडरशिप उसके हाथ में है, सपा हो, बसपा हो, RJD हो, JMM हो, ऐसे लोग JMM गठबंधन से सरकार में है, सपा भी बाहर है, बसपा भी बाहर है, RJD भी खेल से बाहर है। इसकी वजह आप जानते हैं क्यों है? राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं इस देश में कांग्रेस और BJP बड़ी पार्टी नहीं है, वो पैसे वालों की पार्टी है। बड़ी पार्टियां वो हैं जिनके पास जन समर्थन है, लेकिन उनकी सरकार नहीं है, क्योंकि उनके पास मीडिया नहीं है। और एक उनके साथ प्रॉब्लम भी है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पहला जनरेशन वो तो ठीक था, सेकेंड जनरेशन में सेक्रीफाइस नहीं है। तो हमें उदित राज जी जैसे लोगों को बियॉन्ड द पार्टी लाइन, इनकी पार्टी क्या हो उससे मतलब नहीं है, जो समाज के लिए लड़ भी रहा है उसके साथ भी हमें खड़ा होना पड़ेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, और आपको देखना पड़ेगा कि BJP सबसे डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें जो जितना ज़्यादा आरक्षण के खिलाफ बोले, जो जितना जातीय दंगा भड़का है, जो जितना सांप्रदायिक दंगा भड़का है, उसको बड़ा बड़ा पद मिलता है। आप भी अपने समाज में जो जितना सोशल जस्टिस की बात करें, जो जितना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़े, जो पत्रकार, जो प्रोफेसर, जो आदमी आपके समाज के लिए लड़ रहा है, भिड़ रहा है, बोल रहा है, कुछ मत कीजिए, बस उसके साथ खड़े हो जाइए। अभी प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी हो गई, सोचिए, नुपुर शर्मा ने दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्लाम मानने वाले लोग हैं, उसको गाली दे दिया, उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है, प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन इस देश के समाज ने एकजुटता दिखाया, उनको जमानत देनी पड़ी। तो आपको मीडिया से जुड़ना पड़ेगा, सोशल मीडिया से जुड़ना पड़ेगा। हम लोग की दाल रोटी तो चल ही रही है, लेकिन वो आपके लिए भी जरूरी है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ का अधिकार कहाँ है? तो सोशल मीडिया का दौर है, आप लोग ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब से जुड़िए, सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैं OBC हूँ और इस नाते मैं अपने आप को दोषी पाता हूँ कि इस देश में फूले,
जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, प्रियार ललित सिंह यादव, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, इनके जो वंशज हैं, जो जाट हैं, जो गुर्जर हैं, जो पटेल हैं, जो मराठा है, सोचिए इन लोगों को भी मारा गया है। रिजर्वेशन जब ये लोग मांग रहे थे अलग अलग, तो इन लोगों को भी मारा गया है। मीडिया ने बारी बारी से इस देश में सबको दंगाई कहा है। सिखों का नरसंहार हुआ उस समय कौन लोग थे, जाटों को मारा गया उस समय कौन लोग थे, उस समय कहा गया कि जाट देशद्रोही हैं। पटेलों को मारा गया उस समय कौन लोग थे, पटेलों को देशद्रोही कहा गया, गुर्जरों को देशद्रोही कहा गया, शेड्यूल कास्ट उपद्रवी है, आदिवासी नक्सलवादी हैं। तो ये जो टीवी अखबार में बैठे हुए लोग हैं, ये देश को बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। और आज जो देश की सबसे बुरी हालत है, उसके लिए जिम्मेदार इस देश का टीवी और अखबार और जातिवादी मनुवादी पत्रकार है। एक भी एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी का इस देश में संपादक नहीं है। हम सब पत्रकारों में दो ही पत्रकार सीनियर थे जो इनको मैं टीवी में जानता था। एक दो और ओबीसी के हैं, लेकिन वो नाम अभी तक छुपाए हुए हैं, वो मुद्दे पर बात नहीं करते थे, दिलीप मंडल और नवीन कुमार। और दोनों आज टीवी अखबार से बाहर हैं, सोशल मीडिया पर है। अच्छी बात है, कोई ऐसा नहीं कि मैं खराब कह रहा हूँ, अच्छी बात है। लेकिन सोचिए कि जो लोग आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देगा, उसका चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, एक झूठ है। ये जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं, इनसे लड़ने का एक ही तरीका है, संविधान, आपकी भाईचारा, एकजुटता। और उसके लिए आपको सोशल मीडिया का हथियार बनाना पड़ेगा, यूट्यूब फेसबुक को अपनाना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी और अपने लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। बात रही ओबीसी की और किसान जातियों की, तो जो स्थिति हो गई है इस देश में, आज 90% जो सड़कों पर लोग अभी बच्चे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सब ओबीसी के हैं और किसान जातियों के हैं। जाट है, गुर्जर है, पटेल है, मराठा है, कुर्मी, कोयरी, अहीर है, ये सब ओबीसी कम्युनिटी के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं। सरकारी नौकरी में आ जा रहा हूँ, एक मिनट और लूँगा। सरकारी नौकरियाँ खत्म होंगी तो बहुजन समाज कमजोर होगा। इस देश में संविधान खत्म होगा तो बहुजन समाज कमजोर होगा। और इस देश में डेमोक्रेसी खत्म होगी तो बहुजन समाज कमजोर होगा। इसलिए हमें बाबा साहब के संविधान को भी बचाना है और इस देश के डेमोक्रेसी को भी बचाना है। और जो इस लड़ाई में आगे बढ़ रहा है, उसके साथ खड़ा होना होगा, पार्टी जाति छोड़ के। आप कल्पना कीजिए, आपकी हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? फूले थे, अकेले थे, बाबा साहब थे, अकेले थे, जगदेव बाबू थे, अकेले थे। सोचिए, लालू यादव जेल में है, आपका 3 बार का मुख्यमंत्री जेल में डाल देता है, 40 जाटों को गोली मार दी जाती है, गुर्जरों को गोली मार दी जाती है, पटेलों को गोली मार दी जाती है, और ये टीवी अखबार में बैठ के उसको उपद्रवी कह देता है और हम लोग मान लेते हैं। तो बहुजन समाज को अपनी बात रखनी पड़ेगी, अपना समझना पड़ेगा, अपने नेताओं पर भरोसा करना पड़ेगा। और समझ लीजिए कि जिसको टीवी और अखबार, आज चौधरी चरण सिंह की वो लाइन भी बहुत सटीक है, जिसको टीवी अखबार अच्छा कहे मान लीजिए कि वो आपका वो दुश्मन है, और जिसको टीवी अखबार सबसे ज़्यादा खराब कहे वो मान लीजिए आपका सबसे बड़ा हितैषी है। बस इतनी बात कहनी थी मुझे। और आप लोग सोशल मीडिया पर जुड़िए, सोशल मीडिया को साथ कीजिए, और तमाम जो बहुजन चैनल है उनको सब्सक्राइब भी कीजिए, और टीवी अखबार को टाटा बाय बाय कीजिए। उस दिन से आपके घर में कर्मकांड खत्म हो जाएगा, बाबा साहब की विचारधारा आ जाएगी, आप पढ़ाई लिखाई देख करेंगे और आप सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से मजबूत होंगे। आपने मुझे बुलाया, समय दिया, इतना धैर्य से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।